गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की कृतिका का सेकंड चैप्टर मेरे संग की औरतें। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये जो कहानी है ये मृदुला गर्ग ने लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि उनकी संगत का असर, उनकी जो आसपास रहने वाली महिलाएं थी उनकी संगत का असर उन पर कैसा पड़ा। तो वे सबसे पहले अपनी नानी के बारे में बताना चाहती हैं। वे कहती हैं कि उन्होंने कभी अपनी नानी को नहीं देखा था, लेकिन उनके बारे में उसने जितनी बातें सुनी थी उससे उनको पता चला कि उनकी नानी एक खुले विचारों की थी, पारंपरिक रीति रिवाजों को मानने वाली महिला थी। तो जब मेरी माँ 15 वर्ष की थी तो तब उनकी नानी जब मृत्यु की कगार पर खड़ी थी तो उन्होंने उस समय अपने पति से कहा कि वे अंतिम समय में उनके दोस्त प्यारे लाल जी से मिलना चाहती हैं। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो सभी लोग चौंक गए, लेकिन उनके पिताजी दौड़कर अपने मित्र को लेकर आए और उन्होंने उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो जो लेखिका के नाना जी थे उन्होंने विलायत से पढ़ाई लिखाई की थी, उनका सब रहन सहन विलायती था, अंग्रेजी तरीके से रहना खाना पीना सब था। तो वे नहीं चाहती थी कि उनकी लड़की का विवाह वे किसी ऐसे लड़के से करें जो विलायती कल्चर में रहता हो। तो तब उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल जी को बुलाया और उनसे वचन लिया कि वे उनकी लड़की का विवाह ऐसे लड़के से करेंगे जिसके मन में देशभक्ति की भावना हो। तो उन्होंने उनसे वचन लिया। ठीक है, तो फिर प्यारे लाल जी ने उनको वचन भी दिया और फिर उन्होंने क्या किया, मेरी मम्मी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा जिसके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसका पता कैसे चलता है, जिस लड़के से मेरी माँ का विवाह हुआ वे एक बार स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, इसी की सजा उन्हें कब भुगतनी पड़ी, उन्हें ICS की परीक्षा में अंग्रेजों ने बैठने नहीं दिया। तो वो लड़का उनको मेरे लिए बहुत अच्छा लगा और मेरे साथ उनका विवाह हो गया। तो एक गरीब खानदान से बिल्कुल सादा जीवन जीने वाले परिवार में मेरी माँ का विवाह हो गया। लेकिन मेरी माँ ने कभी इस तरह से दिखावा नहीं किया कि वो कितने बड़े घर की लड़की है और इस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही। मेरी माँ ने वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो मेरी दादी थी उन्होंने भी मेरी माँ को कभी किसी तरह का काम करने का फोर्स नहीं किया, क्योंकि वे जानती थी कि वो बड़े घराने की हैं, जो जहाँ जिनके पिता विलायत से पढ़कर बैरिस्ट्री पढ़कर आए हैं इतने बड़े, मतलब क्योंकि मेरे जो नाना जी को है एक जाने माने अमीर घराने से जाना जाता था, तो उनसे ज्यादा काम नहीं करवाया जाता था। लेकिन किसी भी काम के लिए उनकी सलाह, मेरी माँ की सलाह जरूर ली जाती थी। ऐसा क्यों था, एक तो वे अमीर खानदान की थी, दूसरा वे अंग्रेजी पढ़ना लिखना भी जानती थी, तो ये दो चीजों का रुतबा उनका ससुराल में काफी ढंग से चला। अब मेरी दादी जो है, हमारा लालन पालन सब मेरी दादी ने किया, क्योंकि मेरी मम्मी को किताबें पढ़ने का शौक था और वे बीमार भी रहती थी, तो इसलिए उन्होंने हम सबकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। हम सबकी जिम्मेदारी मेरे दादाजी, ताऊ जी, दादी, इन सब ने उठाई, इन्हीं की देखरेख में हम पले पड़े। तो मेरी माँ के स्वभाव की दो बातें थी, एक तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरा किसी के साथ वे विश्वासघात नहीं करती थी। तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसके कारण घर वाले उनका सम्मान करते थे। घर में कोई भी बात हो, कोई भी काम करना हो, तो इससे पहले मेरी माँ की सलाह जरूर ली जाती थी। और दूसरी बात, वे किसी की गोपनीय बात को किसी के आगे प्रकट नहीं करती थी, इससे उनको बाहर वालों का साथ मिला। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने, मेरी माँ ने क्या है, सास ससुर का सम्मान भी पाया, बाहर वालों की मित्रता भी पाई और अपने घर में, छोटे से घर में हम लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया, जहां पर हमें एक हमारा छोटा सा कमरा था जहां पर हम कितने भाई बहन, 6 भाई बहन एक साथ रहते थे, लेकिन हमें
कभी इस चीज की परेशानी नहीं हुई कि हमारी प्राइवेसी खत्म हुई हो। हम अपने मन का काम करते थे। अगर हमारे घर में कोई लेटर भी आता था तो उसमें किसी को ये जानने की उत्सुकता नहीं होती थी कि ये किसके नाम ये चिट्ठी आई है और किसने भेजी है। तो जिसके नाम भी वो चिट्ठी आई वो अपने आप पढ़ के किनारे रख देता था, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता था। तो बच्चों आज ये कविता का आधा पार्ट है और आधा पार्ट मैं कल इसको दूंगी। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है आज वो आपको ये पीडीएफ में देने हैं और आप इनको करके कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक यू।